हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, अगर आप NTA नेट दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि ओल्ड पेपर जो होते हैं वो करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ओल्ड पेपर में से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार 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 हर बार रिपीट होते हैं, और उन क्वेश्चन को अगर हम एक बार कर ले तो उनको बहुत ही आसानी से एक एग्ज़ाम के अंदर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ आपको जो जुलाई 2012 से लेकर और जून 2019 तक रिपीट हुए हैं और लगभग हर बार वो क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है वो है एक्शन रिसर्च का। ये देखिए, जुलाई 2012 में क्वेश्चन आया था द रिसर्च दैट एम एट इमीडिएट एप्लीकेशन, यानी कि जो तत्काल कार्य के लिए जो रिसर्च की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। और अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हुआ है। अब देखते हैं हम आगे, ये देखिए जून 2014 के अंदर ये क्वेश्चन है। इसके अंदर द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन, ये देखिए दोस्तों, इसमें भी इमीडिएट एप्लीकेशन के बारे में पूछे और पहले भी इमीडिएट एप्लीकेशन दिया हुआ था, यानी कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है और इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक्शन रिसर्च आएगा। तो देख लिया आपने। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे किस तरीके से रिपीट हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये अगस्त 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, ये एक्शन रिसर्च है और इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं इमीडिएट एप्लीकेशन दिया हुआ होगा, तो वो आप देख के बिल्कुल आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि ये कैसे रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। पहला तो ये दिया है दोस्तों, यहाँ से आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें जो ये बात कर रहा है इमीडिएट एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा एक्शन रिसर्च आएगा। उसके बाद आता है दोस्तों ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जून 2019 में भी आया, अब की बार भी आया, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो अभी हम ये देखते हैं कि एक्शन रिसर्च से और किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसमें नवंबर 2017 के अंदर दोबारा फिर ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिपीट हो रहा है बार बार। और आगे देखते हैं हम जुलाई 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर फिर एक्शन रिसर्च के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक्शन रिसर्च के बारे में क्ल्यू मिल जाएगा और वो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, और अगर आप चाहे तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको पीडीएफ रूप में दे दिए जाएंगे, इससे आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी अपनी तैयारी करने में। और वहाँ पर आने वाले समय में हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को करवाने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और अब हम देखते हैं कि ये एक्शन रिसर्च का किस तरीके से आगे हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 में एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ लिया और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दोबारा फिर इन्होंने सीक्वेंस पूछ ली दोस्तों। अब देखिए, सीक्वेंस हमने पीछे भी देखी थी, मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए जनवरी 2017 में सीक्वेंस पूछी हुई है और फिर इन्होंने यहाँ पे जुलाई का जो पेपर है, जुलाई 2018 का जो पेपर है, ये देखिए ये जो पेपर है हमारा, इसके अंदर इन्होंने सीक्वेंस पूछी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन वो बार 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 रिपीट हो रहा है, और अगर एक इंसान इस क्वेश्चन को एक बार कर लेता है तो उसे सीक्वेंस पता चल जाती है और दोबारा रिपीट होने पे वो गलती नहीं करेगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे हम किस तरह कैसे ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए, ये है दिसंबर 2018 में रिपीट हुआ है, क्रियात्मक शोध भी कहते हैं दोस्तों, एक्शन रिसर्च को क्रियात्मक शोध भी कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखिए, दिसंबर 2018 के अंदर, दिसंबर का अभी जो पीछे पेपर हुआ था पहले, तो उसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इन्होंने फिर से एक्शन रिसर्च के बारे में पूछ लिया है। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरीके से रिपीट हुआ है ये। अभी जैसे कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था जून 2019 का, उसके अंदर हम देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर भी क्रियात्मक शोध के बारे में इन्होंने पूछ लिया, यानी कि एक्शन रिसर्च के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन दोस्तों बार 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 रिपीट हो रहा है, और अगर आप ये करते अच्छे से तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रिसर्च के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है, वो ये है, देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसके बारे में आपने सुना होगा और या फिर की हुई होगी, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। और हम देखते हैं कि और किस तरीके से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है। अब ये देखिए, जुलाई 2016 का जो क्वेश्चन है, इसमें फिर इन्होंने एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में पूछ लिया। और आगे हम देखते हैं, ये देखिए, अगस्त 2016 का क्वेश्चन है, इन्होंने फिर एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में पूछ लिया। और देखते हैं हम किस तरीके से ये रिपीट हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से। और ये देखिए, जनवरी 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर ये देखिए, इन्होंने फिर एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में पूछ लिया। तो दोस्तों अगर आपको ये पता चल जाते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है। अब ये देखिए, नवंबर 2017 का क्वेश्चन है, इसमें फिर से एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में पूछ लिया। तो अब देखिए दोस्तों, हमें दो क्वेश्चन पता चल गए, एक तो एक्सन रिसर्च और एक एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इन दोनों क्वेश्चन को हम अच्छे से कर लेते तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेज बनते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन हम बिल्कुल राइट कर दें और पूरी की पूरी बुक वगैरह पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते, उसके अंदर आपको पूरी की पूरी PDF दे दी जाएगी और आने वाले टाइम में इन सभी की एक्सप्लेनेशन भी करवाई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक्सन रिसर्च से किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और इसमें दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, जैसे 2019 के जो, ये देखिए, कार्योत्तर विधि, ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये देखिए, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, इसके अंदर ये देखिए, कार्योत्तर विधि को हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो विधि कहते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 2018-19 तक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम क्या है कि हम उस पर थोड़ा फोकस नहीं कर रहे, हमें उनके बारे में पता नहीं है। और अगर आपको ये पता चल जाता तो बहुत आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आने वाली वीडियो में हम और भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।